हाय एवरीवन, आप लोग आज बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं एलविश यादव की किसी वीडियो को रिएक्ट करने वाली हूँ। मैं स्टार्ट में कुछ डिस्क्लेमर कुछ बातें कर दूँ, अगर तो पूरी वीडियो में कंप्लेन होगी, रोना धोना होगा और नेम कॉलिंग होगी और स्लैंडरिंग होगी तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे और उसका कोई मतलब भी नहीं है। ध्रुव राठी की बात अगर की जाए तो ऑब्वियसली अगर आप टॉप पे हो तो लोग आपके खिलाफ़ बातें भी करते हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो इन्फ्लुएंशियल, कुछ भी अफेक्टिव या आपका नाम है तो यू आर सपोज टू हैव सम हेटर्स। और हेट का फिर तुक बनना इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे आपने गलत कोट कर दिया या आपने फैक्ट गलत बोल दिया, आपका ये नज़रिया गलत है। यहाँ पे आपने, अगर आप ध्रुव राठी को रोस्ट करना चाहते हो तो इट हैज़ टू हैव सम सब्सटेंस। अगर आप, इफ़ यू आर जस्ट अ हेटर, तो उसको मैं कुछ, मेरे पास आपके लिए दवाई नहीं है, मैं कुछ आपके लिए सिंपथीज नहीं है, कुछ मैं आपके साथ एग्री नहीं करती। अब वीडियो का मुझे आइडिया नहीं है, मैं पहली बार ही आपके साथ देखूंगी। ये मुझे आइडिया है कि आप लोगों में से कुछ लोग, क्योंकि ध्रुव राठी जर्मनी में रहता तो उसको जर्मन शेफर्ड बोलते, जो कि इससे ज़्यादा लो बात हो नहीं सकती। तो ये मुझे पता है, आई एम ऑलरेडी डूइंग समथिंग रॉन्ग अगर इफ़ आई एम रिएक्टिंग टू इट, मगर इसका इतना सजेशन है और इतनी क्यूरियोसिटी है इस वीडियो के बारे में तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जर्मन शेफर्ड की बात की जाए तो ये एक बहुत ही घटिया एक्ट है, किसी को इस तरह बुलाना और इस तरह सोचना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन हैज़ लेफ्ट द कंट्री तो उसके पास कोई राइट ही नहीं है कंट्री के बारे में बात करने के लिए, उसके पास, उसको करनी ही नहीं चाहिए, तो ये गलत है आपका नज़रिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो फॉर स्टडीज़ और अ जॉब, यू हैव टू लीव द सिटी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने सिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, अपने घर के बारे में बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली लोगों के सर्कमस्टांसेस होते हैं और लोगों के पास पैसे होते हैं, अगर आपके पास होंगे तो आप भी इंडिया छोड़ोगे ऑब्वियसली। मतलब ये बहुत ही कॉमन सी बात है और ये एक गलत नज़रिया है कि आपने मुल्क छोड़ दिया तो आप उधर से बोल रहे हैं, दिस इज़ बहुत। आपको टिकट दी जाए, आपको पैसे दिए जाए, आप पहली फुर्सत में ध्रुव राठी की जगह बैठना चाहोगे? यू वुड वॉन्ट टू बी इन हिज शूज़? यू वोंट। तो एक ये बात बकवास बात है कि जम्मू शहर पता नहीं क्या, ये तुम लोगों को लग रहा है बड़ा ये एक हैवी पॉइंट है। सेकेंडली, हम जब भी दो लोगों को एनालाइज करते हैं कि दो फॉर एग्जांपल लोग हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं तो उनका कैरेक्टर जज होता है, उस किसकी बात में थोड़ी सच्चाई है, किसकी ऑडियंस किस तरह की है, कौन लोग किस तर्ज की बात करते हैं, कौन लोग किस लेवल पे खड़े हैं, उसको जज किया जाता है। ध्रुव राठी की बात करें तो एक वो एजुकेटेड इंसान है, उसकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, उसकी ऑडियंस को थोड़ा पॉलिटिक्स का पता है, थोड़ा उसका नज़रिया है, उसका थोड़ा दिमाग खुला है। वो कोई कंजर्वेटिव के लिए वीडियो नहीं बनाता, उसने कभी लोगों की उस तरह से बेइज्जती या नहीं, मैंने उसको नेम कॉलिंग करते हुए नहीं देखा, उसको मैंने ऐसे हेट फैलाते हुए नहीं देखा। उसने जब भी बात की है तो रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में ही की है कि ये हुआ था और ये हुआ था उस टाइम में, उस मोमेंट में इतने ये थे वोट्स और इतना। ठीक है, अब एलविश यादव की बात की जाए तो सबको पता है कि वो थोड़ा तो मतलब टाइम हैज़ एक्सपोज्ड हिम, उसने क्या क्या हरकत की है। वो बस एक, ही हैज़ अ लाउड माउथ, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही इज़ नॉट अ काम एंड कम्पोज पर्सन, ही शुडन बी लिसन टू, उनका कोई फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। किसी और की मैं पता नहीं क्या क्लिप देख रही थी जो यही कह रहा था कि भाई अगर आप किसी रैंडम बंदे को उठा के इतनी फेम दे दोगे तो उसको किधर समझ आएगी मैंने क्या करना है। एक ना लैडर होती है, जब आप किसी पोजीशन पे जाते हो ना, अगर आप मेहनत कर करके जाते हो और आप डिज़र्व करते होते हो तो आपको पता होता है वो पोजीशन कैसे एक्वायर हुई है और उस पर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे परफॉर्म करना है। अगर अब आप एक बहुत गरीब बंदे के हाथ में इतने पैसे दे दो वो तो उड़ाएगा, अगर आप किसी छोटी पोजीशन वाले बंदे को इतना बड़ा रैंक दे दो वो तो उसको एब्यूज़ करेगा। तो एलविश यादव को इतनी फेम मिली, उनको हज़म नहीं हुई, उनको नहीं समझ आया क्या करना है, तो उनको हमने एक्सपोज होते हुए देखा रिपीटेडली, पता नहीं क्या वीडियोज़ थी, तो वो एक बंदा है नहीं जिसकी वीडियो देखी जाए। बाकी हमको वीडियो देखने के बाद पता लगेगा, अगर कंप्लेंस हुई उसमें रैंडम स्टफ हुआ तो तुमको पता है कि मैं किस तरह की बंदी हूँ और मैं आई एम नॉट गोइंग टू बाय इनटू दिस शेयर। और आप लोग भी समझदार हो यार, आप लोग मेरा चैनल ऐसे तो नहीं देख रहे कि बस हम लोग, ना मैंने कभी रिलीजन की बात की है, ना मैंने कभी किसी कम्युनिटी को सर्व किया है या उसकी साइड ली है, ना मैंने कभी बायस दिखाया, ना मैं चाहती हूँ आप दिखाओ, या आपको कम से कम थोड़ा आइडिया होगा कि मैं किस तरह की बंदी हूँ।
तो लेट्स डाइव इनटू द बिजनेस, लेट्स वॉच द वीडियो, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। आ जाओ। इट्स 40 मिनट्स लॉन्ग वीडियो, आर यू किडिंग मी? और उसका तुम पोस्टर देखो, उस पर जर्मन शेफर्ड, अब मैं क्या बोलूँ यार। 3, 2, 1 गो। 2020 चीयर्स है भाई। देखो वैसे कुछ भी कहो, जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं ना, तो जिंदा तो कैमरामैन भी है। ये पेड प्रमोशन। हेलो हेलो एलविश भाई, भाई आपका जर्मन शेफर्ड बार खुला घूम रहा है भाई, उसने कई लोगों को काट लिया यार, जाके पकड़ो ना उसको। अब ये क्या वीडियो है? अच्छा जी, मरम्मत मांग रहा है, कोई दिक्कत ना, पकड़ते हैं अभी भाई। फिर क्या करना है इसका? क्या करना है, जर्मन शेफर्ड ही तो है, मुश्किल काबू में आऊंगा, पर हमने भी खूब पागल कुत्ते ठीक करे हैं, पकड़ के लाता हूँ। जाहिल बंदा यार, जिसकी वीडियो आप मुझे कह रहे हो, देखो ऐसे कैसे किसी की, दिस इज नॉट इंसल्टिंग, ही इज इंसल्टिंग हिमसेल्फ। हमारा कुत्ता घर में तो निकल गया, और मैंने सुनी लोगों को काट के भी खा रहा है, इसका इलाज करते हैं आज। साढ़े क्या है, अरे तेरी रे, खींच के लेके जा रहा, नो मैं नीचे रह, कभी काबू में नहीं आ रहा। तो दिमाग है इधर, क्यों चाहोगे भाई वीडियो देख? देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप घर में चल, चल घर में, बहुत देर होगी तुझे, चल। ध्रुव राठी सो मच बेटर देन दिस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ना कमेंट सेक्शन में लिख के आओ कि क्या तुमने मुझे मिस करा, यस और नो। बहुत टाइम से मैं लिख रहा था कि 2020 लोडिंग, उसका मतलब था कि हम अपने पुराने कामों पे वापस आ गए हैं, पुरानी चीजें जो हम करते थे 2020 में। बहुत आप लोगों ने खूब सपोर्ट दिखाया, किसी कारणवश मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ी, बट नीड आ गई है वापस, तो हम भी वापस। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जानते होंगे आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रखे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीजें कह रहे हैं, हर कोई ह्यूमन बीइंग होता है, हर किसी के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है, और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए है, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है, और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें, आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। सो ये वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है, अब फैक्ट में हो रहा है तो तब तक है, कितनी देर की होने वाली है, बट ये बोल सकता हूँ ये 30-40 मिनट पार हो जाएगी, तो पूरी वीडियो देखना। इसलिए मैंने वीडियो को ना बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बांटा है, एक एक करके सारी चीजें देखना। इस वीडियो के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर तुमने देख ली ना तो तुम कहोगे एलविश भाई तुम ये पॉइंट्स कहाँ से लेके आए हो, मैं सारे पॉइंट अच्छा, एक एक करके बताने वाला हूँ, और तुम्हें आ जाएगी मौज, तुम कहोगे वाह भाई तुमने धागे खोल दिए। ध्रुव भाई देखो मेरी वीडियो को उड़वाना मत स्ट्राइक मार के, वो भी मैं चीजें बताऊंगा कि तुम कैसे रिपोर्ट पढ़वाते हो, कौन से तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाले ग्रुप्स तुम्हारे सस्पेंड क्यों हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस करके बताऊंगा। बट प्लीज यार, जैसे तुमने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मुझे भी ब्लॉक कर सकते हो, बट मेरी वीडियो को मत उड़वाना है प्लीज भाई। और इंट्रो से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी तक आ गए होंगे कमेंट सेक्शन में बोलने की एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हमारे ध्रुव भाई को कैसे बोल दिया, ध्रुव भाई तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जर्मनी में पढ़ता है, देश की सेवा के लिए ये करता है, वो करता है, तुम गवार हो, ये हो, जो भी बोलने आ रहे हैं भाई तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो को ना एंड तक देखना। चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो इंटरनेट के ऊपर तो यार कोई भी अपने ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो, मैं तो ये कहता हूँ ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब ये तुम पूछोगे भाई ओपिनियन दे के पैसे कहाँ कमा सकते हैं, एमपीएल ओपिनियो पे यार, अब तुम ये पूछोगे भाई एमपीएल ओपिनियो क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। इतना पेशेंस नहीं है हमें, जहां पे आप सिंपली यस और नो में जवाब देके बड़ा जीत सकते हो, मतलब अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्टीज को ढंग से यूज करो भाई। अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है कि क्या इंडिया वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड कप जीतेगा, यस और नो, तुम्हें लगता है यस तो यस,
नो तो नो। एमपी ओपिनियो एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियंस देख। मेरा जर्मन शेफर्ड कहाँ है? इंडिया विन उसको छोड़ा जाती हूँ इस वे। यस और नो। अगर तुम्हें लगता है यस जीतेगी के बाद देखो इसने कितना मिनट खाया और सबमिट कर दो। अगर आपकी प्रेडिक्शन चलो भाई हो गया रिएक्शन मैं जा रही हूँ। मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया मैं चलती हूँ। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट रोबराडी की वीडियो पे। ठीक है आकाश बैनर्जी के साथ एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं। ये सब झूठ है। ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल हो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से ये वीडियो पता है रियल लग भी नहीं रही। ये एआई लग रहा है ये कैसे लगे? इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इन्वाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनकी रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप ना उनकी वीडियो के एंड में जाके एक चीज देखा करो, रिसर्च बाय विजेता दहिया, उनके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। पर एक चीज समझ लो, हमारे ध्रुव भाई सिर्फ एक एंकर है जिनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है कि लो भाई आपकी स्क्रिप्ट, आपको ये सब बोलना है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। इनकी पूरी टीम है, टीम के ऊपर भी आएंगे सारी चीजें भाई, बहुत ना अंदर घुस घुस के हाथ दे गए बाहर निकालेंगे। और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं, ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें। जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2020 में तो एलिस भाई गाली बकता था, आप क्यों नहीं बक रहा भाई? बहुत प्यार से सारी चीजें एक एक करके तिनका तिनका जोड़ के भाई तुम लोगों को दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम प्रूव करोगे ऐसे बोलो अभी तक की ना सस्पेक्ट कर नहीं तो ये पार्टी का हिस्सा है। इसने रफेल डील के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर गूगल एड्स भी लगाए थे, खूब शेयर करवाई थी वीडियो आम आदमी पार्टी से जुड़ के भी। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी खुद एक प्रोपोगंडा वाली वीडियो शेयर करी थी ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद उनको भाई कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ी कि सॉरी भाई गलती से फेक वीडियो शेयर हो गई। भाई बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें। तो सबसे पहले हम अभी ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो इतना पुराना था और तब वो कंपेयर कर रहा था, क्रिमिनल केसेस इतने साल पहले भी कंपेयर कर रहा था, कंपेयर एक भी केस नहीं है, जीरो। देखो इनके ऊपर जो जो केसेस हैं वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पर दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की तो भाई के साथ, तो डीप जा। वो सारी चीजें भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सब डेटा इधर दिख जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर साहब, अच्छा हम वीडियो को रिएक्ट करना कंप्लीट करेंगे, देखेंगे पूरी। उससे पहले मैं तुमको अभी तक का बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं कहूँ यार
कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बैक पे चल रहा है जिसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। ये नहीं बता रहे कि भाई ये गवर्नमेंट रिलीज डाटा है या यहाँ पे इस न्यूज़पेपर ने इसको शेयर किया, ऐसे ही कोई सिंपल रैंडम स्टफ है कहीं पे लिखा हुआ है जिसकी कोई गारंटी नहीं लग रही, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं लग रहा, कोई वैलिड स्टफ नहीं लग रहा। सेकेंडली, और अभी उन्होंने एक वीडियो दिखाई है जिसमें कह रहे हैं कि ध्रुव राठी 2015 में बीजेपी और आम आदमी की जो पार्टी है उसको कंपेयर कर रहे थे। कंपेयर करने में क्या मसला है? कोई मसला नहीं है ना, तब भी वो कंपेयर कर रहे थे। और ठीक है, उन्होंने ये उनका पॉइंट ठीक है कि उनका बताया कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है और इस पर नहीं है। अब केजरीवाल की बात करें कि भाई वो उसको सपोर्ट करने में कभी कहा ही नहीं उसने कि मैं नहीं करता। उसने कहा है कि मोदी, उसका मुद्दा ये है कि जो मोदी है वो इतना, उसके साथ ये 15,000 प्रॉब्लम्स हैं, वो मैनिपुलेटर है, वो डिक्टेटर है, वो झूठ बोलता है, वो ये इस तरह ब्रेन वॉश करता है। और उसकी जगह कोई भी आ जाए, उसने कोई न्यूज़कास्टर का भी नाम लिया है, न्यूज़ रिपोर्टर का भी नाम लिया, उसने कहा कोई भी आ जाए मुझे कोई मसला नहीं है। अगर वो मोदी के ख़िलाफ़ किसी को सपोर्ट करता है तो उसमें उसका राइट है, वो ह्यूमन बीइंग है, कर सकता है। केजरीवाल के हक में उसने वीडियो बनाई है तो उसमें क्या करें हम? इसमें कोई ऐसी चीज़ प्रूव नहीं होती कि ध्रुव राठी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे 2020 में, जो कि आप मीटर देख रहे हो, रेड पे जा रहा है, देख रहे हो। हमारे पास और भी अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं, अब धीरे धीरे करके आपको वीडियोस 2020 में तो मोदी था ना, तो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या ध्रुव भाई अच्छा, हमारे स्टार्ट से ऐसे कहे जा रहा है कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, हमको ना धीरे धीरे पता लगेगा, हमको पता लगेगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी होगी कि हमारे ध्रुव भाई कितने न्यूट्रल है, कितने कौन सी पार्टी के सगे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें सगे वाली क्या यार, ये तो नहीं है, 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 ये सही मीटर ही नहीं है भाई। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल स्किप ना करा जाए और एक एक पॉइंट एक एक डॉट जोड़ा जाए। आप लोग बहुत समझदार हो, किसी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस के मत रहना भाई। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई होने का टाइम आ गया क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो, इस पे गौर करने वाली बात ही है। भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप लोग गलत हो, ये लोग साथ में प्रोटेस्ट भी प्लान करते हैं। डेट है 24 अगस्त 2019, इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं SFI और DYFI। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और वो वाले आर्टिकल से पढ़ना जो सही वाले हो, नहीं तो आर्टिकल तो हम भी लिख सकते हैं कुछ भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाई मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अंदर घुसने लग गया हूं। अब भाई कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, पर आर्टिकल्स, गूगल, इंटरनेट, सब चीज मौजूद है। अब सुनो, जो कारवाई मोहब्बत नाम की एनजीओ है इसके फाउंडर है हर्ष मंदर। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं, ध्रुव भाई यू लाइक इट डीप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और डीप जाएंगे, अच्छे से करेंगे भाई। ऐसे ऐसे नाम मैं लेने वाला हूँ, आप लोग पूछोगे कि भाई ये नाम कौन लोग हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम का मीनिंग है और सारे लोग किसी ना किसी इंसान से जुड़े हुए हैं और लास्ट में सब चीज आपको 30 मिनट इसने ये बोला कि जुड़े रहो, कब आती है, किस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच सुनो, गूगल करो, कौन बताता है, बने रहो, देखना मैं बोलूंगा, मैं डीप जाऊंगा, यही है 30 मिनट, यही है
इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, उसका नाम है हर्ष मंदार, हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में वो भी जर्मनी भाग गए। जी हाँ, वही हर्ष मंदर जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था, 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद हिंदुओं को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने पे तुला हुआ था। वही हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ मिलके। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो साल 2011 में UPA सरकार में एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट लेके आया था कि दंगा किसी ने भी कराओ दोषी हिंदू ही होगा। जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है, और जिसको नहीं पता हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी बेटी भी जॉर्ज सोरस के लिए काम करती थी। भाई जो लोग नहीं जानते कि जॉर्ज सोरस कौन आ गया एल्विस भाई, ये नई फर्म कौन आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई जॉर्ज सोरस वही है जिसने राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए साल 2020 के अंदर $100 करोड़ समझ रहे हो, मतलब इंडिया के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी कि राष्ट्रवादी सरकार हटनी चाहिए पूरी दुनिया में से। और जो हमारे जॉर्ज सोरस हैं वो हमारे राहुल गांधी वीडियो चल रही है, इसने ना एक बंदा निकाला आदिल, इसने ये प्रूव नहीं किया कि वो कोई ग्रुप शुरू था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप बनाते हो व्हाट्सएप, यार अभी आप सुनो, आपने ग्रुप बनाया है उसमें ना कोई 5,000 लोग हैं, 5,000 में से कोई एक बंदा है आदिल, अभी आपने ऐड कर दिया, अब ये आदिल के खिलाफ बातें निकाल रहा, फिर आदिल ने किस किस जगह पे काम किया, किया ये किया ये किया, फिर उससे एसोसिएटेड एक बंदा निकाल लिया कि उसके ग्रुप में ये बंदा है, फिर उस बंदे की हिस्ट्री में जाके। ये तो ऐसे ही है कि देखो, इस लॉजिक से कोई भी मेरा लिंक मोदी के साथ निकाल सकता है और केजरीवाल के साथ निकाल सकता है। मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और उनका कोई ना कोई भतीजा भांजा निकल आएगा, उनके भतीजे भांजों में कहीं से कन्वर्ट निकल आएगा। इस लॉजिक से मेरा लिंक इमरान खान के साथ निकाला जा सकता है। तुम खुद दिमाग लगाओ, जब ध्रुव राठी वीडियो बनाता है, बात करता है, तो वो बहुत ही डायरेक्ट मैनर में बात करता है कि उसने ऐसे ऐसे कहा, उसने ये क्लिप्स दिखा देता है वो कि मोदी ये बोल रहा है, मोदी ने ये कहा कि हम लोग जो हैं तो हमको प्राइड लेना चाहिए, हम हिंदूज हैं, और फिर कहीं भी वो बोल रहा होता है वी आर अंडर अटैक, वो जो भी चीज़ बोलता है वो उसका फुटेज दिखाता है, वो उसका कोई डॉक्यूमेंट होता है, पूरा पब्लिश्ड चीज़ होती है। ये जो बता रहे हैं ना तुम खुद, अच्छा देखो तुम छोड़ो, तुम किसको सपोर्ट करते हो, तुम और मैं बैठे हुए हैं, तुम्हें ये वीडियो बिलीवेबल लग रही है, तुम्हें ये वीडियो में कहीं पे सब्सटेंस नज़र आ रहा है। मैंने जितनी भी देखी है, जैसे कि मैं कह रही थी कि 30-35 मिनट सिर्फ वो ये कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी मैं ना डीप जाऊँगा, अभी तुम देखते रहना, मैं ना बहुत अंदर, भाई इतना अंदर जा भी मत, इतना हमको नहीं, मतलब नहीं चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हज़ारों मेंबर्स थे, एक आदिल था, फिर आदिल का कोई ग्रुप फेसबुक निकाला, उसमें उस वो बंदे ने किसी का पोस्ट लाइक किया हुआ है, जिसने लाइक किया हुआ है 15 करोड़ लोगों में, उसका एक लाइक उठा के वो उसका ये लिंक है, ये लोग प्रोटेस्ट भी करवाते हैं। और अगर वो केजरीवाल को सपोर्ट करता है कहीं भी, अगर ध्रुव राठी या उसने उसके साथ काम भी किया है, तो क्वेश्चन ये था नहीं, अगर ध्रुव राठी से आपने क्वेश्चन किया हो कि क्या तुमने कभी, फॉर एग्जाम्पल इसकी ये बात ठीक है कि इसने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है, तो किसी ने कभी उससे क्वेश्चन किया कि क्या तुम उसके मेंबर थे और उसने उसको डिनाय किया हो, तो हम कहें कि इसने झूठ बोला है। पहले तो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उस पार्टी के लिए काम करते थे, सेकेंडली ध्रुव राठी ने कभी ये डिनाई नहीं किया। हाँ, ध्रुव राठी ने ये कहा है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैंने किसी पार्टी से पैसा नहीं लिया, किसी पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया, ये उसका क्लेम है। कोई और बातें उसने केजरीवाल के हक में कर दी या किसी और के बंदे के हक में कर दी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना वो पीछे हट रहा है, ना हम उसको कह रहे हैं कि फॉल्स क्लेम हो गया, ये गलत हो गया, कहीं पे पकड़े जाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक हेट बेस्ड वीडियो है और इसको पूरा देखना एक बेवकूफ़ ही बंदा करेगा, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला वीडियो में, सिंपल एक हेट है, सिंपल एक ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो, उसकी पॉपुलैरिटी के खिलाफ, उसकी फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। तुमको मैं एक बात बताती हूँ, अगर तुमने रॉबर्ट ग्रीन को पढ़ा है, रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में लिखते हैं 48 लॉज में कि जो आपके एनिमीज हैं या जो लोग आपसे जेलस हैं, दे हैव वन जॉब, वो पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट इंस्टिल कर दिया जाए ताकि आप ग्रो मत कर सको। आपका एनिमी, द बेस्ट थिंग योर एनिमी कैन डू टू यू इज पुट डाउट इन योर सेल्फ।
तो वो सिर्फ ध्रुव राठी को इस तरह कह रहे हैं कि मतलब तू हिल गया होगा, वो सिर्फ उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका डाउट उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक एनिमी का काम होता है। आई कैन रीड दैट, और कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है ध्रुव राठी इज़ बिगर दैन दैट, उसको पता है कि क्या कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग शायद अभी और न्यू का रिएक्ट कर लें। पिंग ह्यूमन करके एक चैनल है जो कि इस तरह फैक्ट बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, और उनकी एक वीडियो है अभी और नियो के खिलाफ। अगर आप लोग कहोगे कमेंट्स में तो हम उसको रिएक्ट कर लेंगे। एटलीस्ट आई नीड 10 to 20 पीपल। बाकी टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। ध्रुव राठी को मेरे पप्पो का बच्चा नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने सिर्फ मेरा ये मानना है कि अभी तक हम जितनों की भी वीडियोस देखते हैं उसके बात करने का तरीका, उसका कंडक्ट करने का तरीका ज़्यादा बिलीवेबल है, उसका सोर्सेज ज़्यादा बिलीवेबल हैं, उसकी सोर्सेज में फैक्ट है, ट्रूथ है, रियलिटी है, और कुछ भी नहीं है। उसकी बात मानने वाली में समझ आती है, उसकी मानने वाली बात है, उसकी समझ में आने वाली बात है। बाकी तो ओपिनियनेटेड वीडियोज़ हैं, वो जो मर्जी बना ले, जिस तरह के एलविश यादव कह रहे हैं। सो टेक केयर, काम डाउन, सी यू गाइस, सो गाइस, फाइन, बाय, लव यू।